अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे हस्ती से मिला रहा हूँ जिनका हमारे मुस्तकबिल पे, जिनका हमारे नए नस्ल पे बहुत गहरा असर है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए वक़्फ़ किए, और काफ़ी अर्से बाद इनसे मुलाकात हुई है। तो इंशाल्लाह इससे मुलाकात करके आप बड़े खुश होंगे कि यार आपको इसे मिला दिया, और इनकी खिदमत के हवाले से, इन्होंने जो लाइफ गुजारी है इनके हवाले से, इनके सोशल खिदमत के हवाले से आज आपको हम बताएंगे। तो अभी पेश है हमारे बहुत इंतहाई अहम शख्सियत जिनका हमें बेचैनी से इंतज़ार था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम, यस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम हाजी मोहम्मद शेर है और आप आप देख रहे जेड हैं, बी सी देख रहे हैं। जेड बी सी न्यूज़ देख रहे हैं। बहुत जी शुक्रिया जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा आज आपको यहाँ पे, मतलब कि मौसम कैसा लगा आपको, कैसा लगा आज आजकल आपको रिटायरमेंट की जिंदगी कैसी लग रही है आपको? मौसम तो खुशगवार है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे मुलाकात हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप से अच्छे रिवायात के मुताबिक अच्छा मुआवजात जी, करेंगे। इंशाल्लाह जी साहब, ये आप तो हमारे बड़े अच्छे उस्ताद भी रहे, और मुझे याद है कि जब 1995-96 में हम 9 क्लास में थे, 10 क्लास में थे, तो आप हमें मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाते थे। तो बिल्कुल जी, मुतालिया पाकिस्तान में जो आप चीज़ें पे पढ़ाते थे वो मेरे बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, और मैं जो आपसे जो भी सवाल पूछता था तो आप मुझे बड़ी लाजिक इसके जवाब देते थे। तो मुझे पता है कि यार आप बाकी बंदों से बहुत मुख्तलिफ हैं, मतलब कि ऐसे टीचर आप हैं नहीं कि यार सिर्फ नोट्स दे के पढ़ाते थे, बल्कि आपको माशाल्लाह हिस्ट्री के बारे में बड़े मालूम था, और आपको जो है ना अपने सोशल लाइफ के बारे में बड़ा मालूम है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा उस्ताद जी, आप ये बताएं, चलो ये तो सारी बात हो गई, चलती रहेगी, आपकी टोटल कितनी सर्विस हो गई, मतलब कि कितने सर्विस आपने गुजारी, कहाँ कहाँ पे आपने सर्विस की है? तकरीबन 42 साल सर्विस की है। सन 1964 में मैं इस्लामिया कॉलेजियट स्कूल में था और वहाँ पर 2 साल गुजारे। इसके बाद मैं ट्रेनिंग के लिए गया था। 1968 में मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, और ट्रेनिंग के बाद फिर पोस्टिंग हुई ज़ियारत काका से में, अच्छा और उधर 1 साल गुजारी। फिर पबी आकर तकरीबन 5 साल गुजारे, और अच्छा 5 साल के बाद फिर मैंने ट्रांसफर हुई बांडा शेख इस्माइल मिडिल स्कूल को, तो अच्छा उधर मैंने 5 साल गुजारे। और इसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अकबरपुरा में आ गए, तो उधर मैंने 21 साल सर्विस की है। अच्छा और इस दौरान में आप भी शागिर्द रह चुके हाँ हैं। जी, मुझे खुशी है कि मैं आपका शागिर्द रह चुका हूँ, और ये हमारे घर की तरबियत का हिस्सा है कि मैं जहाँ भी जाऊँ तो मैं हमारे घर में बोला जाता है कि हाँ कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। लेकिन जब भी मैंने कहा कि मैं उस्ताजी से मिलने जा रहा हूँ, किसी भी उस्ताजी से, तो उन्होंने मुझे कोई रोक टोक नहीं किए कि ये हमारे घर में ना इलम की ये कदर का ये मकाम है। तो अभी भी मैं आ रहा था तो अम्मी ने पूछी कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा एक उस्ताजी से मिलने जा रहा हूँ, बस उसने दूसरी बात ही नहीं पूछी। तो ये हमारे घर में भी माशाल्लाह इल्मी माहौल है, और हमारे घर वाले भी बहुत पसंद करते हैं, और जहाँ पे इज्जत होती है वहाँ पे लोग इलम भी सीखते हैं। अच्छा उस्ताद जी, ये तो हो गई बात है आपके कैरियर के स्टार्टिंग के हवासी, आपकी जो तारीख पैदाइश किस सन की है? तारीख पैदाइश 6/6/1946 में तारीख पैदाइश है, जी, और रिटायरमेंट 2006 को हुई। 2006 को रिटायर्ड हो गए। तो आपकी एजुकेशन कितनी है? एजुकेशन तभी से पास की, नहीं, मैंने जिस वक्त आप पुराने भर्ती हुए थे। अच्छा 1998 में अच्छा अच्छा ठीक है, बेटे किए, पहले तो मैट्रिक तक ना, मैट्रिक अच्छा के अच्छा बाद फिर IFA पास की। ठीक है। तो आपने सबसे ज्यादा अर्सा अकबरपुरा में गुजारे हैं, सबसे ज्यादा 21 साल गुजारे 21 साल हैं, गुजारे हैं, टोटल कितना सा सर्विस किया आपने? 42 साल। 42 साल में से 21 साल आपने इधर गुजारे, और हाँ, बाकी आपने, ठीक बाकी 21 साल जो है वो जो बांदा है, शेख इस्माइल में और दूसरे स्कूलों में। सिर्फ एक पीरियड मैंने तकरीबन 6-7 महीने डेरी कटिहेल में, और 6 महीने गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहिब बांडा में। अच्छा। तो आप शुरू से मतलब हाई स्कूलों में रहे हैं ना, शुरू से मैं प्राइमरी में था, जब आपने स्टार्ट किया तो आप प्राइमरी मैं में रहे हैं। प्राइमरी में था। इसके बाद मैंने सिटी की है, सिटी के बाद हाई स्कूल में गया।
अच्छा, तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए वैसे स्कूलों में? मेरी पसंद की सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। अच्छा मैंने मैथ्स से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता था अच्छा और बहुत शौक से पढ़ाता था। अच्छा और मैं जब पढ़ाता था तो अकबरपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल में जो था उसमें तो बहुत सारी क्लास थी, ए बी सी और सब के साथ मेरे सेक्शन थे, ठीक है। मैथ्स था। तो एक क्लास में जो पढ़ाता था दूसरे में जाता था और वही सब्जेक्ट पढ़ाता था, तो मुझे याद सवाल सवालात याद होते थे। अच्छा, हाँ, फिर ठीक दूसरा सब्जेक्ट जो है वो मुताले पाकिस्तान है, है। अच्छा जो मुताले पाकिस्तान है वो मैं बहुत शौक से पढ़ाता था, अच्छा अच्छा मुझे अच्छा बिल्कुल याद था अच्छा कई मतलब कि सालों से। और मेरे अच्छा रिजल्ट है 98%, 100%, अच्छा रिटायरमेंट के वक्त 100% रिजल्ट निकला। अच्छा अच्छा तो आपको पूरे करियर में जहां जहां पे आपने सर्विस किए हैं, तो आपको कहाँ पे ज्यादा सर्विस का मजा आया? ये तो अकबरपुरा तो आपके समझो कि आपके मुजाफात का इलाका था, या आप उसके मुजाफात में रहते हैं। तरखा और अकबरपुरा में तो इतना फासला भी नहीं है, टोटल मेरे ख्याल में 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता होगा। लेकिन आपको पूरे सर्विस में कहाँ मजा आया, मतलब कि आप जब शुरू से? सबसे ज्यादा मुझे अकबरपुर हायर सेकेंडरी पसंद था अच्छा और यहाँ पर बहुत मजे से बल्कि दिलचस्पी के साथ शौक से मैं पढ़ाता था। अच्छा और यही वजह है कि यहाँ के जितने मेरे स्टूडेंट हैं, तालिबे हमें वो शागिर्द है वो हमें मिलते हैं तो बहुत बहुत खुशी इज्जत करते, के ठीक साथ और इज्जत के साथ मिलते हैं। हो गया, ठीक है। अच्छा उस्ताद, ये बताओ कि माशाल्लाह आपके बेटे कितने हैं? चार सबसे बड़े बेटे का और नाम क्या? बेटा साजिद मोहम्मद साजिद अनवर, अच्छा ठीक वो इस वक्त इंग्लैंड में है है। और MSc इलेक्ट्रॉनिक्स पेशावर यूनिवर्सिटी से की, फर्स्ट अच्छा ठीक डिवीजन में। हो गया। और दूसरे बाकी दूसरा बेटे? जो हाँ है मोहम्मद सुहेल, वो आर्मी है, आर्मी में है, मंगला में अच्छा जॉब ठीक दी है। है। और तीसरा? तीसरा जो है इंजीनियर मोहम्मद तपेल, उन्हें इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी जी और जो चौथा जो है वो उसने भी इंजीनियरिंग की है, नाम क्या उसका चौथे का? मोहम्मद जवाद, अच्छा वो भी लंबी सड़क से अच्छा अच्छा एमए की। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, आपने तो माशाल्लाह रिटायरमेंट भी लिए, तो रिटायरमेंट के बाद आपको जिंदगी कैसे लगी? आपको, रिटायरमेंट के बाद आप जब क्या करते हैं रिटायरमेंट के मैं बाद? तो फारिग हो गया तो उस वक्त मैं AAP से जो पेरेंट्स मुझे पसंद थी, खासकर मैं खालिद गफार खान की जिंदगी से और उनके खिदमत से मैं मुतासर था। फिर अच्छा इसका बेटा खान अब्दुल खान जो थे तो उसके साथ मैं कई बार मिला हूँ ठीक और उनके साथ जो वक्त गुजारा है तो मैं इससे बहुत मुतासर था। यही अच्छा वजह है जो मैं रिटायरमेंट मुझने रिटायर मुझे रिटायरमेंट मिली तो दो दफा मैं ANP का सदर मुंतखब हो चुका था अच्छा और दो दो दफा जो मैं सदर मुंतखब था तो मैं 2013 तक मैं सदर था। नहीं, आप किस लेवल पे सदर रहे हैं आप एनपी में? यानी कि आप तहसील लेवल पे सदर रहे हैं या गांव के लेवल पे सर सदर? गांव के लेवल से अच्छा, तो जी उन्होंने आपके इलाके में कोई काम भी किए कि नहीं एनपी के बहुत से गवर्नमेंट? काम किए हैं हमारे MPA जो है मियां इफ्तिखार हुसैन से पे, और उन्होंने हमारे इलाके में बहुत से काम किए हैं। कौन कौन से काम किए उन्होंने? अकबरपुरा में कॉलेज बनाया है, हमारे हमारे गांव में हाई स्कूल गर्ल हाई स्कूल तामीर की है और इसके अलावा गले कूचे हैं जो इस पर हमारे बोर्ड है, बोर्ड हमारा नाम भी उसमें अच्छा दर्ज है, बहुत सी गलियां बनाई है, सड़कें बनाई है। अच्छा, तो आप मतलब कि एएनपी के एक नजरियाती कारकुन हैं, बिल्कुल जी ठीक है। तो आजकल आपको तो पता है कि यार लोग जो पार्टियों में लोग काम नहीं कर रहे हैं, या जो पार्टी काम नहीं कर रहे, लोग उस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या है आपको भी ऐसे कोई इरादा है कि नहीं नहीं? नहीं ये इरादा नहीं, ये मेरे बाप दादा का पार्टी है और अच्छा मैं इसके छोड़ने वाले नहीं हूँ। मर गया दम तक मैं इस अच्छा पार्टी में रहूंगा और अच्छा मेरे बेटे जो है वो भी इसको पसंद करते। बहुत अच्छा लगा, बहुत आपके नजरियात से पता चला, हमें बहुत खुशी हुई है। अच्छा उस्ताद जी, आप तो माशाल्लाह अब रिटायरमेंट लाइफ गुजार रहे हैं, जी तो रिटायरमेंट की लाइफ आप किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? इस रिटायरमेंट की लाइफ में आप क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या फलाही काम कर रहे हैं आप? फलाई काम तो मैंने 2010 से शुरू किए हैं, अच्छा पहले नहीं थे, अच्छा लेकिन
2010 से लेकर अब तक जो जितने मैंने फलाही काम किए हैं तो सबको मालूम है, वो फेसबुक पर भी चल रहे हैं और हमारे यूसे अकबरपुर के जितने स्कूल है इसमें मैंने कपड़े तकसीम किए हैं और कापियाँ और किताबें भी तकसीम किए हैं। मेरा बेटा जो है मोहम्मद साजिद अनवर जो इंग्लैंड में है, तो वो यतीमों और बेवाओं के साथ बहुत हमदर्दी रखते हैं, वो मुझे फंड देते हैं और कमाई अपने कमाई से जो फंड देते हैं मैं गरीबों यतीमों में तकसीम करता हूँ, कपड़ों की शिक्ल में, किताबों की शिक्ल में। अच्छा, आप जो फलाही काम करते हैं तो फलाही काम में आप सिर्फ एजुकेशन को फोकस करते हैं या बाकी फलाही काम को भी आप फोकस करते हैं? एजुकेशन को फोकस करता हूँ क्योंकि एजुकेशन के से लोगों की तामीर होती है, बच्चों की तामीर होती है, तो ऐसे लोग भी होते हैं कि वो तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ जब मैं स्कूल में था सर्विस में तो उस वक्त भी मैं गरीबों के साथ जो बच्चे ऐसे थे जो नादार थे उसके साथ दाखिला नहीं हो सकता, उसके साथ किताबें नहीं होते थे तो मैं उनको वो रकम देते थे। ठीक है, बहुत खुशी हुई उस्ताद जी आपको, माशाल्लाह खुद भी आपने इल्मी लाइफ गुजारी है और आपकी जो फोकस है फलाही खदमात का वो भी एजुकेशन पर ही है, तो यकीनन ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मकाम है। और मैं बाकी दोस्तों को भी कहता हूँ कि जिनके पास इस तरह के खैराती कामों के लिए पैसा है तो वो भी अपने इलाके में अपने हिसाब से जितना भी हो सके, चाहे एजुकेशन पे हो, चाहे हेल्थ पे हो, चाहे सोशल कोई और काम हो, तो उन पर वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और यकीन है उस्ताद जी आपसे भी हम ये बातें सुन के बड़े मतलब के मुतासर हुए, बहुत खुश हुए, अल्लाह आपको इसके जजाए खैर दे। अच्छा उस्ताद जी आपके माशाल्लाह चार बेटे हैं, तो चार बेटों की में से कितने बेटियों की शादियां हुई है और कितने के अभी पेंडिंग है? शादी तो अभी तक कोई नहीं थी। अच्छा, वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से करेंगे, तो वो बड़ा जो बेटा है इंग्लैंड में तो उसकी ये ख्वाहिश है कि मैं जब आऊँ तो तमाम शादी करेंगे। अच्छा, ये जो शादी करेंगे आपने इनको मर्जी भी दी कि वो अपनी मर्जी की शादी करेंगे, तो क्या वो लव मैरिज करेंगे या फिर कोई अरेंज मैरिज होगी? ये उनकी मर्जी है। अच्छा, उनकी मर्जी है, जो मुझे कहे तो मैं वही करूंगा, वो घराने में जाकर उनके। अच्छा, नहीं अपने मतलब वो अपने घराने में करे या किसी और के घराने में करे, अपने में करे, पराया में करे, पंजाबियों में करे, पठान में करे, अंग्रेजों में करे, गोरों में करे, जिसमें भी करे, आपकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं इनते? बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी बेटे पे कोई पाबंदी नहीं, पाबंदी नहीं, क्योंकि वो जो वो शादी करते हैं तो अपने करते हैं। तो शादी के लिए तो फिर अक्सर जो रिश्तेदार होते हैं नाराज भी होते हैं कि यार हमारे घर में रिश्ता था तो आपने हमें कबूल नहीं किया, वो फलां करके घर में रिश्ता था उनको कबूल नहीं किया, क्या इस तरह आपके लिए खानदान में कोई नाराजगी पैदा नहीं होगी? ऐसी कोई कबूल नहीं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं तो चाहता हूँ कि यार ऐसे जो है ना ऐसे वालिदैन अल्लाह सबको दे दे जो अपने बेटों के लिए मतलब उनको फ्री हैंड दे दे और उनके मर्जी के रिश्ते करवा दे, कि अक्सर जो शादियां नाकाम होती है इसकी बड़ी वजह ये भी होती है कि हम बच्चों पे अपने बेटों पे उन मर्जी मुसल्लत कर रहे हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। तो उस्ताद जी ये तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने माशाल्लाह इनको एक फ्री हैंड दिए शादी के हवाले से, और बाकी बेटों से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई लेकिन एक जो बड़ा बेटा है आपके साजिद साहब साजिद अनवर, तो उसको तो मैं जानता हूँ, माशाल्लाह काबिल लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है। ठीक है, तो आपके बेटे जिस तरह आप माशाल्लाह के विजन वाले इंसान है, माशाल्लाह आपके बेटे को भी मैं चाहता हूँ, वो भी बड़े विजनरी इंसान है और बहुत खुशी हुई। अच्छा उस्ताद जी एक और सवाल आप बताएं कि रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले या एजुकेशन में मतलब कि बंदे को कुछ वो भी हॉबीज भी होती है, कुछ शौक भी हो रखते हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए, तो आपने क्या शौक रखे, कोई सैर सपाटे की कोई शौक रखते हैं या आप या जो है ना आप कोई गेम शेम की भी शौक रखते हैं, क्या आपके उस तरह के मशाइल है आपके? मैं अपने मसरूफियात के लिए अपने खेत में जाकर काम करता हूँ, कुछ कुछ हो जाता हूँ, गंदम जवाब वगैरह और सब्जियाँ, तो इसमें मेरी मसरूफियात होती है और बाकी इलाके में लोगों के साथ मेल मिलाप करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये जो आपका ये इलाका है तो माशाल्लाह बड़ा सरसब्ज इलाका है, बहुत बागात इसमें, तो इसमें आपके भी बागात भी है कि नहीं है? बिल्कुल जी बागात है। आपके कौन कौन से बागात है इसमें? आलूचे और लोकार वगैरह। आलू अच्छा, आपके इलाके में तो मैंने देखे बड़े बागात है, तो यहाँ पे किस चीज़ की बागात है? आलूचे के ज्यादा है, लोकार के ज्यादा है? आलूचे के ज्यादा, बाकी नाशपाती वगैरह के बागात बहुत कम है।
नाशपाती बहुत कम है वहाँ, आलू चाहिए बहुत है। अच्छा सर, ये जो आपके गांव का ये रास्ता है जी जिस पे अभी मैं आया हूँ, ये कच्चा है काफी अरसे से, तो क्या किसी से बात की है कि ये रास्ता भी पक्का होने चाहिए? हमने अपने दौरे हुकूमत में मियाँ इफ्तखार हुसैन से बात की थी, उसको सिपासा में दी थी, हाँ लेकिन वो आखिरी साल था और वो जी, उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई। अच्छा 2.5 साल हो गए इन लोगों की हुकूमत है, अभी तक इसने कोई ऐसे काम नहीं किए, और अच्छा सड़कें हमारा सड़क जो है वो कच्ची खड़ा हुआ है। अच्छा तो ये आपकी जहाँ पे रहायश है तो यहाँ पे कोई गैस वगैरह भी है कि नहीं? गैस है जी, गैस गैस कनेक्शन दिए का हुए हैं? कनेक्शन दिया। अच्छा, इस समय तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं। हमारे से 300 किलोमीटर के फासले पे गैस है अकबरपुरा में, लेकिन हमारी जखीजात में कोई गैस नहीं है। हम तो आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, आपके बागात के दरमियान में भी रहते हैं, लेकिन आपको किसी चीज़ के मतलब मसला नहीं है, खासकर सभी गैस के हवाले से। हम लोग इस हवाले से बड़े पीछे रह गए हैं, हमने बहुत दफ़ा कोशिश की है। चीफ मिनिस्टर साहब परेश खटक साहब भी हमारे हल्के के ही है, लेकिन अभी तक मतलब कि उनको भी कोई कामयाबी नहीं हुई कि वो हमारे गांव में गैस लगाए। और मैं आपके तरखे वाले जो है इनको सलाम करता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने ये सारे काम बहुत पहले करवाए। अच्छा उस्ताद जी, ये जो आप बताए कि माशाल्लाह आपने तो बड़ा अच्छा टीचिंग में गुजारा है, तो बहुत सैकड़ों के हजारों के हिसाब से आपके शागिर्द भी दुनिया भर में फैले हुए हैं, तो आप ये बताए कि आपने शागिर्द से कितने फीसद आप मुतमईन हैं? मैं तकरीबन 100% मैं अपने शागिर्दों से मुतमईन हूँ, और जो मेरे शागिर्द रह चुके हैं तो वो मुझे बहुत इज्जत करते हैं, इज्जत भी मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई शागिर्द जो आपसे इधर जा चुके हैं, मतलब कि अपने दौर में पढ़ाई मुकम्मल करके जा चुके हैं, तो किसी शागिर्द से रब्ता भी है या बस रास्ते में मिल जाते हैं तो रिस्पेक्ट करते हैं? बहुत से शागिर्दों से रब्ता है, रब्ता है वो आपका? मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैंने कभी वक्त नहीं गुजार ऐसा वक्त नहीं गुजारा है जो मैं अच्छा जाया नहीं किए, अच्छा मतलब कि आपने इनके माशाल्लाह उनके टाइम को आपने कीमती बनाया है। बहुत कोशिश की है जी। अच्छा, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। ताज तस दारा था वो है जी, तस ऊपर शागिरदान अल्लाह या दे नो आवाम ले तस सुख पैगाम अर कोल गवाड़ी। زه خپل شاګردان ته دا پیغام ورکول غواړم چې څنګه زما خپل سوچ دی، زه د غریبانو یتیمانو او د کونډو وروڼو خیال ساتم، خاص کر هغه علاقان چې هغوی سبق نشي ویلی، مالي حالت خراب دی، نو زه یم چې هغوی سره امداد کول پکار دي چې دا خلک وړاندې شي او د دې ملک مستقبل مونږ د دې په لاس کې وي. څنګه چې مونږ وو داسې و خپلو استادانو نه، ځکه نو بیا مونږ بیا پړین کو دي بیا مونږ پسې چې کوم زموږ شاګردان دي، هغه نن سبا وینم چې هغه پړیانې کوي، نو زم دا غواړم چې دغه شان زما شاګردان وي چې هغه د دې جوګه شي او نور غریبانو یتیمانو سره لاس امداد وکړي، همدردي وسره. او استاد دا راته ووایه چې تاسو په ملک کې پاکستان کې دننه د ناکامې کمی علاقې کتلي دي، اوسه پورې تاسو دا غیر متاثر یې، تاسو غلا کړې عزت خوښ شوي او که مستقبل کې منطقې ملي چې تاسو دوباره خواتلی شي؟ زما خو اوسې په پاکستان کې خارونه، ما پنجاب کې کتلي، لاهور شو یا ملتان شو پینډۍ شوه، او د دې نه علاوه په خپل پښتونخوا کې سوات شو او یا ایبټ آباد شو، او ایبټ آباد به زما ډېر خوښ و ځکه چې هغه علاقه زما هسې بس خوښه او سیندري پرې هغه سره، او کله کله به مونږ تلوم د سکاوټ په هغه باندې مونږ ځو، هلته کښې به ګرځېدو، نو هغه سیندري زما ډېر خوښې دي. او سوات کښې چې کوم دی زمونږ یو خور هم واده وله، نو اوس هم پکښې زما خورۍ نشته دي، نو کله کله مونږ هغلته ځو هغوی سره. سوات کښې کومه علاقه تاسو خورۍ نه اوسېږي؟ سوات کښې زمونږ مینګورې نه دې خوا ته یو رحمان آباد ورته وایي، او نو هغې کښې زمونږ خور واده وه، هغه یې اصل کښې وو د مانکوټ پورې، هغوی په سوجه باندې دې نه بیا لاړو. صحیح ده، صحیح ده. استاد تاسو نو څه ویل غواړي؟ فرض کړه تاسو په اړه باندې څه پیغام وي، څه خبره اتره وي، تاسو ویل غواړي خپل ناظرینو ته تاسو ویلی شئ؟ زه تاسو ډېره شکر دا کوم جزیر دی سی دا نیوز چینل چې کوم دی، جی زه هغې ډېره شکریه دا کوم چې هغې ما له وخت راکړو، ما نه تپوسونه وکړل، نو په دې کښې دومره وشوه چې زه هم د خپل زندګۍ نه مطمئن شوم. حاجی استاد شاگردان تا پتہ لگے جڑا رنگ استاد جی ماشاءاللہ صحت مند دے او بالکل روز جوڑ دل خیر اللہ دے خوشحال ذاتی بالکل شاگردان تا پتہ لگے جڑا رنگ استاد جی خیر سن تکڑے ډیر شکریہ دا زمگ استاد جی محمد شیر استاد دیلا بچی کم دے سپیشل تر اغلو او تاسو کا تے ماشاءاللہ چے ایم کھڑے دے خشتہ خشتہ خبر ہو کی او غیب ندی کافی ٹائم راکو
نو کوشش دا کوم چې رستا سو پځین کې دغه څه سوال ایتا سو کتل غواړي چې دا مشهور شخصیت ته دغه سره انټرویو کول غواړي یا مشهور زیر دغه سره ډاکومېنټري جوړول غواړي تاسو جټ بي سي نیوز سره رابطہ کولای شئ او تاسو چې کوم دینو جټ بي سی نیوز باندې ټیم تاسو ته بار موجود دي دا زموږ استاد دی محمد شیر استاد ما خو ډیر زیات وخت دی او ان شاء الله تاسو نو امید ساتم چې تاسو هم دغه انټرویو ته ډیر زیات خوښ شوي اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس انٹرویو کو انجوائے کریں گے اور آپ اس پہ ہم اپنے کمنٹس پہ لکھ کے بھیجیں گے اپنے ویوز پہ لکھ کے بھیجیں گے اور جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ چاہتے ہیں کہ یار ہمارے علاقے میں زیڈ بی سی ٹیم چلا جائے تو آپ برائے مہربانی آپ ہمیں اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ